हेलो गाइस, आज हम आए हैं सेक्टर 16B नोएडा एक्सटेंशन। ये है अंडर कंस्ट्रक्शन प्रॉपर्टी जिसमें दो टावर आपको मिलेंगे। ये है इम्पीरियल ग्रीन्स बाय कैलटेक या फिर कुमार। अभी हम देखने वाले हैं 3BHK जिसका साइज़ है 1685 स्क्वायर फीट और काफ़ी अच्छा लेआउट लगा मुझे पर्सनली। इसमें आपको सबसे पहले यहाँ पे एक हॉल मिल जाता है यानी कि ड्राइंग रूम या लिविंग रूम आप कह लो, साथ में आपको बैल्कनी मिल जाती है और काफ़ी डिसेंट स्पेस है। आपका एल साइज़ का सोफ़ा सेट आराम से यहाँ पे आ जाएगा या फिर आप 7 सीटर सोफ़ा भी रख सकते हो। साथ में आपको यहाँ पे बैल्कनी मिल जाती है और ये बैल्कनी का व्यू आपका कमर्शियल साइड रहेगा। और इस वाली बैल्कनी का एक्सेस आपको किचन से भी है यानी कि आप किचन से भी एक्सेस कर सकते हो ये वाली बैल्कनी या फिर अपने लिविंग रूम या ड्राइंग रूम से भी कर सकते हो। और दोनों तरफ आपको सेल्फ मिलेगा। काफ़ी स्पेशियस यहाँ पर मुझे यहाँ का किचन लगा और किचन के साथ ही सामने आपको डाइनिंग टेबल का एरिया मिल जाता है, डाइनिंग एरिया इसको बोलते हैं हम। तो आपको लिविंग रूम अलग से आपको स्पेस मिलता है, साथ में आपको डाइनिंग का एरिया मिल जाता है किचन के साथ में। यहाँ पे आपका लिविंग रूम हो गया, साथ में कॉमन वॉशरूम हो गया। इस 3BHK के लेआउट में आपको दो ही वॉशरूम मिलते हैं, एक कॉमन वॉशरूम आपको यहाँ पे मिल जाता है। इसको आप मॉडिफाई करके अटैच भी करा सकते हो। ये है हमारा मास्टर बेडरूम, आपको लेआउट से पता चल रहा हो या फिर टाइल्स के उसके कलर से पता चल रहा होगा। साथ में आपको बैल्कनी मिल जाती है यहाँ पे और कबर्ड का स्पेस आपको मिल जाता है और ये काफ़ी अच्छे साइज़ का आपको वॉशरूम मिल जाता है। तो ये अभी इन्होंने सैंपल रेडी कर रखा है और इसमें आपको वार्डरोब भी साथ में बना के देंगे वुडन के। और ये बैल्कनी है, काफ़ी अच्छा साइज़ है बैल्कनी का और स्पेशियस है बैल्कनी। और जो इन्होंने ग्रिल लगा रखा है उसका मटेरियल भी काफ़ी अच्छा है। इनफैक्ट मुझे सारी चीज़ें इसमें ऑल एंड ऑल काफ़ी अच्छी लगी। जो रूम्स का साइज़ था वो काफ़ी डिसेंट है। मैं अभी स्क्रीन पर डाल दूँगा वो सारी चीज़ें ताकि आप एक बार देख सकें। ये है इसका सेकेंड रूम, यहाँ से भी आपको बैल्कनी का एक्सेस है, साथ में आपको स्पेस मिल जाता है कबर्ड का। और ये वॉशरूम हो गया इसके साथ, है ना। ये वॉशरूम आपका मेन जो ड्राइंग रूम है या फिर जो डाइनिंग एरिया उससे कनेक्टेड है, तो आप कॉमन भी बना सकते हो उसको या फिर सेपरेट भी रख सकते हो। और ये एल शेप में आपको बैल्कनी मिल जाती है, काफ़ी अच्छा स्पेस है बैल्कनी का। और सामने आपका मेन रोड का जो 60 मीटर वाइडर रोड है, आपके सामने कनेक्टिविटी मिलती है इस रोड की और साथ में कमर्शियल भी है। तो ये लेआउट कैसे है मैं आपको एंड में दिखाऊंगा कि कैसे इन्होंने बिल्डिंग को प्लान कर रखा है या फिर इस टावर को कैसे प्लान कर रखा है। सो ऐसा कुछ इसका लेआउट है। आई होप आपको लेआउट काफ़ी अच्छा लगा होगा। कोई भी कैरियर आप इस नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं। अभी बुकिंग्स ओपन है और काफ़ी अच्छा प्राइस आपको 5500 स्क्वायर फीट का रेट अभी यहाँ पर है और काफ़ी अच्छी डील आपको मिल सकती है। ये आपको स्टेयरकेस तो एक्सेस मिल जाता है, ग्राउंड फ्लोर पर आपको कमर्शियल मिलता है जो टावर 1 है उसमें। ग्राउंड फ्लोर पर फ्रंट में आपको कमर्शियल दे दिया है। एंट्री और एग्जिट लेफ्ट साइड में एंट्री है, राइट साइड में एग्जिट है। सामने 60 मीटर वाइडर रोड है, साथ में आपके पास सर्विस लेन का एक्सेस भी होगा जो कि काफ़ी हेल्पफुल रहता है। सो गाइज, मेक श्योर आप जल्द से जल्द कॉन्टैक्ट करें बिकॉज काफ़ी अच्छा लेआउट मुझे लगा पर्सनली। और दो ही टावर हैं इसमें और लिमिटेड यूनिट्स बची हुई हैं। 5500 रुपीज़ पर स्क्वायर फीट काफ़ी डिसेंट रेट है। मेक श्योर आप चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। कनेक्टिविटी के लिए आपको यहाँ पे मेट्रो स्टेशन मिल जाएगा 15 मिनट के ड्राइव पे, हाईवे कनेक्टिविटी यहाँ से 10 से 15 मिनट के ड्राइव पे मेन जो आपकी कनेक्टिविटी है। साथ में पेट्रोल पंप एंड CNG पंप की कनेक्टिविटी आसपास में है 10 से 15 मिनट के ड्राइव पे। साथ में स्कूल्स हैं यहाँ पे 5 से 10 मिनट के ड्राइव पे। हेल्थ केयर आपको जो मेजर हॉस्पिटल्स हैं आसपास में वो मिल जाएंगे। साथ में आपको एंटरटेनमेंट जोन यानी कि शॉपिंग कॉम्प्लेक्स आसपास हैं वो भी मिल जाएंगे। ऐसा कुछ लेआउट है, ऐसा कुछ मतलब कि लुक है जो सोसाइटी है जो अभी आपने देखा हो टावर 1 में देखा, जो राइट साइड में आप पीछे वाला टावर अभी अंडर कंस्ट्रक्शन है। और इसमें 4 साइज़ आते हैं आपके पास, 1180, 1255, 1595, 1685 एंड 2155। सॉरी, 5 साइज़ आते हैं आपके पास। और उसके साथ साथ आपके पास यहाँ पे गार्ड रूम में एंट्रेंस, ये सारी आपको एमिनिटीज़ मिल जाती है सोसाइटी में। फ्लावर बेड हो गया, प्राइवेट ग्रीन हो गया, पूल डेक हो गया, मेन पूल, स्विमिंग पूल किड्स का अलग से होगा। और ये सारी आपके पास फैसिलिटीज़ आ जाती हैं, पार्किंग से लेके ऑटो पवेलियन सिटिंग, म्यूज़िक फाउंटेन, प्लाजा एंड नॉर, जो कि काफ़ी प्रीमियम चीज़ें हैं सोसाइटी में। थैंक यू सो मच गाइज वीडियो यहाँ तक देखने के लिए। मेक श्योर आपने दिए गए नंबर पर कॉन्टैक्ट करें, चैनल को सब्सक्राइब करें अगर आप पहली बार इस पर हैं। मिलते हैं आपको अगली बढ़िया सी वीडियो में। टिल देन, बाय बाय।